गुरु की कृपा अगर मिल जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आपके पास भी कोई गुरु है तो आज उनकी उपासना, सेवा और सत्कार से आप पा सकते हैं सुख और संपन्नता का आशीर्वाद। लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको क्या कुछ करना चाहिए वो देख लीजिए। दास ने भी गुरु को भगवान से श्रेष्ठ माना है। उन्होंने रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि संकर सम होई। भले ही कोई ब्रह्मा शंकर के समान क्यों न हो, वह गुरु के बिना भव सागर पार नहीं कर सकता। संत तुलसीदास जी गुरु को मनुष्य रूप में नारायण यानी भगवान ही मानते हैं। वो रामचरितमानस में लिखते हैं, बंदौ गुरु पद कंज कृपास, सिंधु नर रूप हरि, महा मोह तम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। यानी गुरु मनुष्य रूप में नारायण ही हैं। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जैसे सूर्य के निकलने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही उनके वचनों से मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। ज्योतिषी कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के आशीर्वाद से धन संपत्ति, सुख शांति और वैभव का वरदान भी पाया जा सकता है। बहुत सौभाग्यशाली इंसानों को ही प्राप्त होती है गुरु की कृपा, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि भाग्य का लिखा भी बदल सकता है। लेकिन अगर आपके गुरु नहीं है तो क्या करें? भगवान शिव स्वयं अपने गुरु के निष्ठा में लगे रहते हैं। जिसे भी वो गुरु मानते हैं, चाहे वो भगवान श्री हरि विष्णु को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, या किसी जिसको भी वो मानते हैं, आखिर में अपने गुरु के प्रति ध्यान लगाते हैं। इसी तरीके से भगवान नारायण के मानव अवतार भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु संदीपनी ऋषि थे। इसका तात्पर्य हुआ कि भगवान स्वयं गुरु के महत्ता को, गुरु के महत्व को प्रकट करते हुए हमें ज्ञान देते हैं, हमें बताते हैं कि यह जो तिथि है आषाढ़ है, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, अपने आप में पूर्ण देव तिथि है। हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव जी ही हैं। अगर गुरु ना हो तो शिव जी को ही गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएं। श्री कृष्ण को भी गुरु माना जा सकता है। श्री कृष्ण या शिव जी का ध्यान कमल के पुष्प पर बैठे हुए करें। मानसिक रूप से उनको पुष्प, मिष्ठान और दक्षिणा अर्पित करें। स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करें। कहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन जो शिष्य सच्ची श्रद्धा से अपने गुरु की सेवा और सत्कार करता है, उसे सुख शांति, ज्ञान और संपन्नता का वरदान मिलता है।